नमस्कार गाइस, मैं मोर यूट्यूब चेनेल न्यू ड्रीम ब्लग अपनालोकक स्वागतम जानाइछो। आशा करो सकलो भाले कुशले आछे। आज भिडियोत मैं लै आनिछो अंगनवाड़ी कर्मी सहायिकार मिनि कर्मी सकलर दरमहा बृद्धिर क्षेत्रत किछुमान गुरुत्वपूर्ण खबर आरु लेटेस्ट आपडेट शेहतियाभावे कि कत कि घटना घटी आछे एई विषये मैं अकमान आपनालोकर माजत किछुमान भिडियो आपनालोकक शेयर करिम। एई जेहेतु अंगनवाड़ी कर्मी सहायिकार समस्या तो अकल अहोमै नहय गोटे भारतवर्षते होय आछे। तेओंलोकर दरमहा धार्य करा नहल बाजेटत, किन्तु शेहतियाकै एखन राज्यत माने 10% মানে রাজ্য সরকারে এই দরমহাটো তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি কৰিছিল। যদিও মানে কিছুমান কৰ্মী মানে সুবিত হৈ মাত্ৰ 10% দৰমহা দিয়াকলৈ মানে কিছুমান কৰ্মীয়ে মানে হুলস্থুলীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে আপোনালোকৰ কথাখিনি গোটেই বুজি পাব। আৰু লগতে মই এই বাহিৰা যিখিনি বাহিৰা ৰাজ্যৰ অংগনবাদী ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক সম্পূৰ্ণ নোচোৱাকৈ মানে কমেণ্ট কৰি আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাব এই অংগনবাদীৰ সমস্যাবিলাক অকল অসমৰ নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰে সমস্যা হয়। গতিকে মই ভিডিঅ' কিছুমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তো চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো খবৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰে। তো গাইজ, দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গাইছে অংগনবাদী কৰ্মী কিছুমানে মানে ৰাজপথত ওলাই আহি মানে কৈছে যে 9 বছৰ মানে এনৰেগাত চাকৰি কৰি তেওঁলোকক নিয়মীয়াকৰণ কৰা হ'ল, কিন্তু অংগনবাদী কৰ্মীসকলে আজি ইমান বছৰ ধৰি মানে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকৰ সাধাৰণ মাননীটোৱে মানে বৃদ্ধি নকৰিলে চৰকাৰে। আৰু তেওঁলোকক মানে চৰকাৰে যিকোনো কাম হ'লে মানে তেওঁলোকক মানে প্ৰথমে নিয়োগ কৰায়। এতিয়া এইখিনি কথা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, সঁচা নে মিছা আপোনালোকে নিশ্চয় মোক এই ভিডিঅ'তে কমেণ্ট কৰি জনাবা। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক কি কি ক'লে এই মহিলাসকলে মানে ৰাজপথত ওলাই আহি মানে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, তেওঁলোকৰ মাননীটো বৃদ্ধিও কৰিব লাগে আৰু লগতে কম হৈছে যি 10% দিছে। আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক, গোটেইখিনি কথা গম পাব। कारण हमारे पास 10 साल का 20 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस है। साला पूर्व शिक्षा हमने 20-20 साल दिए, हम MBA है, फिर हम दूसरों को क्यों सरकार हमें फायदा क्यों? इसलिए सर मुझे 25 साल हो गई नौकरी करते करते। पहले तो इन्होंने भर्ती नहीं निकाली, और भर्ती निकाली तो फिर उन्होंने सीधी भर्ती ले ली, सीधा ऑप्शन दे दिया उनको। और जब तक वैकेंसी निकाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो हम लोग रिटायर होने का टाइम आ गया। फिर आगे भी हमको कोई सुविधा नहीं है, जैसे वो हमारे पेंशन का 3 लाख रुपए का वो बजट के लिए वो घोषणा करी थी, उसपे कोई उन्होंने रिएक्ट ही नहीं करा। और सारा काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, हमारी एक मांग ये है राज्य सरकार हमें अलग टुकड़ा दे रही है मानदेय का, केंद्र सरकार अलग दे रही है। मतलब हम ये मांग रखना चाहते हैं दोनों हमारे टुकड़ों में नहीं एक राशि में हमारा मानदेय आ जाए, और एक तारीख तय कर लो, एक तारीख पर हमारा मानदेय आ जाए। मानदेय सर हमारा मानदेय हमारा दोनों का, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, दोनों मानदेय एक साथ आए हमारा। महीने में मानदेय आता है तो फिर हम कैसे कर चलाए? किसी का मानदेय आ रहा है सर, एक साथ मानदेय भी नहीं आ रहा, तो हमारा मानदेय एक साथ करो। जैसा भी आप सुन रहे थे, तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे महिला शक्ति से। ये वो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं जो सरकार की हर योजना को, चाहे वो उड़ान हो, चाहे फिर वो कुपोषण वाला हो, चाहे फिर पोलियो हो, किसी भी प्रकार की, चाहे वृक्षारोपण हो, वो किसी भी योजना को सड़क तक लेके जाते हैं, उस योजना का क्रियान्वयन कराते हैं, उस योजना को पूरा हो, सरकार की वाहवाही हो, उसके लिए अपनी पूरी जान लगाते हैं। पर इनको उसके बदले में जो मानदेय, तनखा नहीं मानदेय दिया जाता है, जो मानदेय एक शब्द बड़ा अच्छा है, मानदेय आपके द्वारा किया गया काम का हम मान करते हुए कुछ उपहार दे रहे हैं, मानदेय दिया जाता है, जो तनखा के रूप में इनको मिलता है वो भी इनको समय पे नहीं मिल रहा, जो मानदेय दिया जाता है जितने का वादा किया गया था वो वादा आज सरकार पूरा करने में पीछे नजर आ रही है। बजट के अंदर इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को
कुछ भी राहत नहीं दी गई है। इनकी यहाँ ये सड़क पे इकट्ठे हैं। सरकार से मांग है कि इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी गिनती उन महिला और बालिकाओं में की जाए। हमसे है, हम माए हैं, हम आपके सामने झोली फैला फैला के आए। इतनी बार हमने जयपुर में आके धरने किए हर सरकार के सामने, किसी सरकार ने सुनाई नहीं करी। एक उम्मीद थी और घोषणा पत्र में लिखा कितना, 13,000 लिखा। प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी, 10 गारंटी में से एक गारंटी हमारी थी कि प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 13,000, सहायिका का 6,500, लेकिन इसका केवल 10% दिया। एक छोटी सी चॉकलेट पकड़ा दी कि भाई चलो ठीक है आपका बढ़ के। क्या होता है सर इसे, 10% से कुछ भी नहीं होता है। घर भी नहीं चलते, गरीब लोगों के घर भी नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जितनी भी है वो सब अभी सब मध्यम वर्ग से है, सभी का इन्हीं से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई पैसे वाली है या कोई धन दौलत वाली है, सब इसी पे आधारित है। अगर सभी के पास पैसा होता तो कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी नहीं करता। आज ही नरेगा को उन्होंने 9 साल में परमानेंट कर दिया। हम इतने सालों से काम करते आ रहे, हमें हर जगह बुलाया जाता है, हर जगह हम लोग काम करते हैं। हर प्रकार के हमारे को कह रहे थे कि तुम ये सर्वे करो, वो करो, वो करो, हर प्रकार के हमें काम कराते। एक बिल्कुल एक भेड़ बकरी की तरह हमारे को वहाँ ले जाकर खड़ा कर देते हैं। क्या मतलब है, हमारे को कुछ भी नहीं मिलता उसका। ऐसी सरकार का क्या फायदा कि जो हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार ने बराबर का हक तो दे रखा है महिलाओं को। हाँ, कोई बराबर का हक नहीं है, नहीं है 50% आरक्षण। अरे ये होता है 50% आरक्षण, मनरेगा परमानेंट हो गई, हमारे बाढ़ वाली योजना परमानेंट हो रही है। हम लोगों को भाई मानदेय कर्मचारी, अरे नहीं चाहिए हमें मानदेय, हमें तो तनख्वाह चाहिए। हमें हमारी शक्ति खड़ी है एक औरत के रूप में आपके सामने, और जिस दिन हमने अपनी शक्ति दिखा दी सरकारों के सब डोल जाएंगे। लेकिन एक माँ का दिल रखते हैं, यहाँ सीने में मोम है हमारे। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, आज नहीं कल नहीं, उम्मीद सब्र, अरे कहाँ तक उम्मीद करें, अब तो उम्मीद का बांध ही बिल्कुल टूट गया। आप लोगों ने ये कह के कि 9 साल में परमानेंट हो गए है? और हम लोग नियमित, अरे भाई हम भी तो नियमित हो सकते हैं। ऐसी कौन सी योजना है जिसके थ्रू हम नियमित नहीं हो सकते, हमें ऐसी योजना में क्यों बांध रखा है। और स्कूलों में डाल दिया जी आंगनवाड़ियां, अब आंगनवाड़ी पहली दूसरी क्लास को पढ़ाएगी, सब करेगी आंगनवाड़ी, तो फिर आंगनवाड़ी को क्या, सिर्फ एक मानदेय है और सेवा, और कह देते सेवा दे रहे हो, सेवा दे रहे हो। अरे क्यों लगाया था ऐसी योजना में जिसका कोई विकल्प ही नहीं था दूसरा। मैं फिर कह रही हूँ, आज बहुत बड़ा दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है, और मैं भगवान भोले की सौगंध खा के कह रही हूँ, अगर सरकार ने, सभी बहनों की तरफ से अगर सरकार ने हमारी नई सुनवाई करी तो हम ऐसी रणनीति बनाएंगे कि उनकी। इस वीडियो तो जो भी भल्ला की सेलेन थे लाइक कमेंट शेयर करो और मोर चैनल तो सब्सक्राइब करी बोले ना पारी बा और भाल भाल वीडियो में आंगनबाड़ी रिलेटेड इन्हें को धरन और वीडियो में पुन प्रथम में अपना लोकन मदद लो इन्हें बस चेस्टा करें तो तेल के साइट है को न्यू ड्रीम ब्लॉग चैनल तो को दिखा आज ले बाय।